नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं Realme के X50 Pro फ़ोन के बारे में। दोस्तों, आप इस फ़ोन को 4,170 रुपये में अपने घर मंगा सकते हो घर बैठे। दोस्तों, आपको उसके लिए क्या करना होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखकर बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि 4,000 रुपये के अंदर ये फ़ोन आपको कैसे मिलेगा और घर बैठे दोस्तों आप इस फ़ोन को कैसे मंगा सकते हो इतनी कम कीमत में। तो सब कुछ बताऊँगा दोस्तों इस वीडियो में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, Realme का X50 Pro फ़ोन है, ये इंडिया का पहला फ़ोन है जो 5G नेटवर्क के साथ इंडिया में लॉन्च हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ इस फ़ोन के फीचर के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस फ़ोन के फीचर के बारे में पता नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको बताऊँगा कि आप इतनी कम कीमत में इस फ़ोन को अपने घर कैसे मंगा सकते हो घर बैठे। दोस्तों, इस फोन डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें हमें 6.44 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो दोस्तों एक फुल HD डिस्प्ले के साथ आती है। दोस्तों, इसे कैमरे की बात की जाए तो इसमें हमें रियर में 4 कैमरे सेटअप देखने को मिलता है, जिसका दोस्तों जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है। दोस्तों, इसके फ्रंट में भी दोस्तों हमें डुअल सेल्फी कैमरा मिलता है। इसमें फ्रंट में दोस्तों हमें 2 कैमरा मिलते हैं, जिसमें दोस्तों मेन कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों, कैमरे के मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर आपको वीडियो बनाने का शौक है, आप कैमरा ज़्यादा यूज करते हो अपने फ़ोन का, तो आपके लिए फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कैमरे काफ़ी अच्छे हैं प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो दोस्तों, ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। दोस्तों, इस फ़ोन की बैटरी की बात करें तो इसमें हमें दोस्तों 4200 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, जिसके साथ दोस्तों आपको फास्ट चार्ज देखने को मिलता है 65 वाट का। दोस्तों, बैटरी के मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों, इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें मिलता है हमें स्नैपड्रैगन का 865, जो दोस्तों एक 5G प्रोसेसर है, जो दोस्तों ये फ़ोन इंडिया में पहला फ़ोन था जो इंडिया में 5G नेटवर्क के साथ लॉन्च हुआ था। लेकिन दोस्तों, अभी इंडिया में 5G नेटवर्क नहीं आए हैं, तो ये फ़ोन 4G पर चलता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन दोस्तों इसकी फ़ोन काफ़ी अच्छी है। इसमें हमें डुअल सेल्फी कैमरा मिलता है। और दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूं कि इस फ़ोन को आप 4,160 रुपये में अपने घर कैसे मंगा सकते हो। दोस्तों, बिल्कुल वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलता हूं दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में फ्लिपकार्ट ओपन करना है। फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये यहाँ पर दिखाया जाएगा 24,999 रुपये का ये फ़ोन। दोस्तों, आपको इस फ़ोन पर क्लिक करना है। तो इसकी दोस्तों जो कीमत है वो है दोस्तों 25,000 रुपये। ये देखिए, जे मेरे जो दोस्तों मेरी लोकेशन वहाँ पर डिलीवर नहीं हो रहा है लॉकडाउन की वजह से। पर दोस्तों, जो अगर आप इसे अपने एड्रेस पर ऐसे मंगाते हो तो आपको क्या करना है, आपको उस पर क्लिक करना है। देखिए भाई, यहाँ आपको ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे 4,160 रुपये में कैसे मंगा सकते हो। 4,160 रुपये में आप इसे कैसे मंगा सकते हो, आपको उसके लिए करना होगा, आपको दोस्तों व्यू प्लान पर क्लिक करना है। ये देखिए, जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए EMI का ऑप्शन आ रहा होगा, नो कॉस्ट EMI का, आपको इस पर करना है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बजाज कार्ड का। यहाँ पर देखिए, आपको 4,160 रुपये 6 महीने में 4,160 रुपये 6 महीने तक पे करने हैं, हर महीने 4,160 रुपये। तो इस तरीके दोस्तों आपकी जो पहली EMI है वो 4,160 रुपये आएगी और आपके एड्रेस पर यह फोन डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों आप इस फ़ोन को 4,167 रुपये में मंगा सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल से ऑर्डर करके फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो दोस्तों, ये वो तरीका था। वैसे दोस्तों इसकी जो कीमत है वो 25,000 रुपये, बट फिलहाल अगर आपके पास इतना बैलेंस नहीं है और आप 6 किस्तों में ये पैसा दे सकते हो, तो पहली EMI में आपको 4,167 रुपये देने पड़ेंगे और आपके एड्रेस पर ये फ़ोन डिलीवर कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप इतनी कम कीमत में इस फ़ोन को अपने घर कैसे मंगा सकते हो घर बैठे। दोस्तों, आपको पता है कि ये फ़ोन इसकी जो कीमत है ये भी चल रही है दोस्तों 24,000 रुपये, यानी दोस्तों ये फ़ोन आपको 24,000 रुपये का पड़ जाएगा अगर आप इसे कैश में खरीदते हो तो, क्योंकि ये फ़ोन वैसे तो काफ़ी महंगा था, बट अभी दोस्तों इसके ऊपर सेल चल रही है फ्लिपकार्ट के ऊपर। और दोस्तों, ये फ़ोन इस फ़ोन के ऊपर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सेल चलती रहती है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो इसकी फ़ोन की दोस्तों जो कीमत है वो 24,000 रुपये। बट दोस्तों, अगर आपके पास बजाज कार्ड है, बजाज कंपनी का जो कार्ड होता है, अगर आपके पास जो कार्ड है, तो दोस्तों आप इस फ़ोन को उस बजाज कार्ड से EMI पे मंगा सकते हो। जिसको दोस्तों पहली EMI है वो आपको फ़ोन लेने के 1 महीने बाद जाएगी, जो जाएगी दोस्तों 4,167 रुपये। तो दोस्तों, आपको 4,167 रुपये पे करने हैं 1 महीने में, पहले महीने में।
और ये फ़ोन आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो आप इस तरीके से फ़ोन को मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल लगून है, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।